भाई तो भी हम आ गए हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट एकदम पीछे का ये बाकी काफी यहाँ पे ठंड है तो अपने साथ अपनी कैप्स वगैरह लेके आए भाई। देखो सभी लोगों ने लगा रखी जैकेट। नहीं देखो वहाँ पर मंदिर है और लगभग 3 से 4 बार मुड़ी हुई है और काफी सारे लोग यहाँ से वहाँ लगे हैं। बाकी आपको दिखाएं तो ये है हमारा टोकन नंबर और ऐसा आपको टोकन नंबर वहाँ से मिल जाएगा जब आप एंटर करेंगे। उसके बिना आप आपको एंट्री भी नहीं देंगे। अपना आधार कार्ड दिखाइए और रजिस्ट्रेशन दिखाइए क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो आपको अंदर भी नहीं आने देंगे। भाई लाइन 1 किलोमीटर की लगी हुई है। भाई ये हाल है मंदिर के पास का, मतलब सब जगह खुदा पड़ा हुआ है। ये देखिए चल भाई क्या जबरदस्त मंदिर सजा हुआ है। भाई वहाँ पर लिखा ओम नमः शिवाय और कितने सारे लोग हैं भाई यहाँ पे लाइन। भाई तो ये है मंदिर का एग्जिट पॉइंट, यहाँ से आप एग्जिट लेते हैं। ये देखो भाई वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में और आज हम लोग जाने वाले हैं भाई साहब लखनऊ से हरिद्वार की तरफ। तो चलते हैं आपको पूरा जर्नी अली दिखाएंगे। भाई केदारनाथ जाना है वैसे तो हमें और हम लोग का जो डिब्बा है वो है सेट, वो रहा सामने ही। भाई हमारी जो गाड़ी है ना वो ये चलने वाली है, हमारा जो डिब्बा है वो है सेट। तो अभी हमारे प्यारा भाई यहाँ पर छोड़ने आए थे भाई, तो प्यारा भाई चलते हैं यहाँ से, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे लखनऊ में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे बरेली। ये देखिए गाइस 12 बजे बरेली हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं एकदम टाइम से, लगभग बज चुकी हैं 6 और हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो गाइस उतरते हैं। तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है भाई, हम लोग की जो ट्रेन थी वो ऐसे कुछ थी भाई। अभी जस्ट उतरे इस डिब्बे से, ये रहा भाई हम लोग इससे हैं भागलपुर हरिद्वार। तो भाई यहाँ से चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर कहाँ से बस वगैरह मिलेगी क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं पहले ऋषिकेश निकल जाएं। भाई तो ऐसा कुछ है बाहर हरिद्वार का नज़ारा और ये जो मेन गेट है भाई ये बने हुए हैं ऐसे उत्तर रेलवे हरिद्वार और हम लोग यहाँ से निकले हैं। ये देखिए भाई मंदिर टाइप का बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत सा और यहाँ पे शंकर जी की प्रतिमा लगी हुई है भाई। हम लोग चलते हैं अभी देखते हैं बस वगैरह क्योंकि सीधा निकलते हैं ऋषिकेश और फिर वहां से बस भी बुक करनी है तो वो सब आपको दिखाएंगे हम। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार के पास और हरिद्वार के जस्ट बाहर आपको यात्रा का पंजीकरण वगैरह मिल जाएगा और ऋषिकेश बस स्टैंड के पास यात्रा का पंजीकरण मिल जाएगा, मतलब अपना जो केदारनाथ की यात्रा है उसका रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा का करा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। वैसे हम लोग हरिद्वार से बस नहीं पकड़ने वाले हैं, ऋषिकेश से बस पकड़ेंगे केदारनाथ की सोनप्रयाग की। तो चलते हैं आपको ये दिखाते हैं पूरी जर्नी। अभी भी हम लोगों की बस ने भाई देखो ऋषिकेश का जो बस स्टैंड उसने यहाँ पे छोड़ा है, मात्र 55 रुपये लिए थे हरिद्वार से यहाँ तक। आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, ट्रेन से आ जाइए और आपको सामने उसके देखिए कार्यालय सहायक महाप्रबंधक दिख रहा है, वहाँ से अपनी जो भी कहीं भी आपको जाना है तो वहाँ से अपना टिकट वगैरह ले लीजिए। चलिए देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ है कल का तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे कल की बस की अगर पर्ची वगैरह बनती होगी तो वहाँ से टिकट वगैरह अपना लेंगे। बाकी चलते हैं देखते हैं क्या होने वाला है। भाई कितना खूबसूरत है भाई ऋषिकेश का बस स्टैंड भी और रेलवे स्टेशन भी। हम लोग आए हुए हैं इसके पास देखिए UK 07 और ये ऐसे कुछ आपको यहाँ से पर्ची काट के दी जाएगी, मात्र 500 रुपये इसका जो किराया है, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है और अपना इजी तरीके से यहाँ से अपनी बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। भाई सोनप्रयाग और गुप्तकाशी यहाँ पे देखिए बहुत सारी बस वगैरह खड़ी हुई है, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ की आपको बस मिल जाएगी एकदम आराम से, मतलब सरकारी तो नहीं है, सरकारी जैसी है मतलब प्राइवेट इनकी चलती है। तो उसके पीछे से ये हम लोग इसके पीछे खड़े हुए, उधर अपना बस स्टैंड है जो सरकारी है और इधर प्राइवेट वाला है। तो इधर हम लोग आ गए, बाकी गाड़ी का नंबर वगैरह ये सब है और इनको भैया को टिकट देते हैं क्योंकि हम सब लोग साथ में आने वाले हैं ना भैया। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो भाई चलते हैं अभी रूम वगैरह लेते हैं आपको दिखाते हैं। हम लोग इस होटल से निकल रहे हैं, अपना चेकआउट कर दिया है। भाई होटल का टूर तो नहीं दे पाए थे, बस ऐसा कुछ ऐसा होटल बना हुआ है आपको दुर्गा मंदिर के सामने मिल जाएगा, SP इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के बगल में, तो अपना देख लीजिएगा। भाई तो इतने सारे लोग हैं भाई, सुबह सुबह हम लोग की बस है वो ये है भाई सामने खड़ी हुई है हमारे UK 08। अभी इसमें बैठते हैं और अपनी जो सीट वगैरह है वो तो ऑलरेडी बुक थी, तो चलते हैं अंदर। अभी हम लोग सुबह सुबह आ गए भाई, 8 सुबह के बज चुके हैं 4। ये देखो ऐसा कुछ है भाई, तो बस का ये देखिए पूजा वगैरह भी अभी किया है, चलने से पहले जो भी जितने रीति रिवाज होते हैं सारे पूरे किए गए हैं और अपनी जो पब्लिक है वो भाई इसमें फुल हो चुकी है। भाई तो अपनी बस है ना वो चल चुकी है और ऐसी भी बस है भाई एकदम नॉर्मली बस रहती है यहाँ पे, मतलब ये सरकारी बस भी एक रहती है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, बाकी ऐसे कुछ बस है। ये भाई नींबू वगैरह फूट गए,
भाई ऐसी कुछ बस है ना। और ये भाई ये रही बाहर की जो जनता है भाई, वो खड़ी है केदारनाथ जाने के लिए। बाकी हम लोग की बस चल चुकी है, एक अपने पीछे वो जा रही है कर्णप्रयाग के लिए। बाकी और भी बहुत सारी बसें हैं, आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ऋषिकेश। बहुत इजी तरीके से, मतलब एक दिन पहले आपको बुक करना पड़ेगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी अभी जो सरकारी बसें हैं वो अभी नहीं चल रही हैं, मतलब एक या दो चल रही हैं तो आप सो सकते हैं भाई। तो ये है देखें, यहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी बसें यहाँ भी खड़ी रहती हैं, मतलब आगे पीछे आप पता कर सकते हैं। और होटल वगैरह आप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये है जो ऋषिकेश का बस स्टैंड है भाई, ये देखो ये आ गया। और यहाँ पे क्या है कि भाई वहाँ की बस जाने के लिए अभी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आपको बस मिलेगी यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग मतलब सोनप्रयाग के लिए जाती है। क्योंकि हम लोगों ने पूछताछ केंद्र में पूछा था, उन्होंने यही बोला था। जय श्री केदार। देखिए कितना खूबसूरत सा रास्ता है यार। अभी अपनी बस ना यहाँ पर रुकी हुई है थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए। बस यहाँ की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है यार, ये देखो भाई वहाँ पे अपनी बस है। है ना खूबसूरत, वहाँ पर बांध बना हुआ है पानी को रोकने के लिए। पिछली बार जब हम लोग बद्रीनाथ गए थे तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, और वही लोकेशन फिर से एक बार सेम। आगे धारा देवी का मंदिर भी पड़ेगा, तो जब अभी रास्ते से चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। मतलब चाय और बन मक्खन आ चुका है भाई, और इस व्यू के साथ इसको इंजॉय करेंगे। फिलहाल ऐसे ही कुछ स्वीट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जब आप रास्ते में कभी आएंगे तो यहाँ जरूर रुकेगा। काफ़ी टेस्टी खाना वगैरह भाई बनाते हैं भाई। वहाँ देखिए धारा देवी मंदिर दिख रहा है। तो इन रास्तों में बहुत सारी जगह टनल वगैरह बनी है जो मतलब रेल इनको कनेक्ट करेगी, वो देखो भाई। तो ये देखो हम लोग यहाँ से मतलब लेफ्ट टर्न ले लेंगे यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए। वो देखो जो बस वहाँ पे जा रही है तो हम लोग को वहाँ से मुड़ जाना है। तो भाई साहब टॉप पे हम लोग आ गए भाई, ये देखो ऊपर का कुछ भी नहीं है भाई। तो अभी यहाँ पर लगा है बहुत ही लंबा जाम, जिससे कि हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। तो ऐसा कुछ है भाई, भाई तो यहाँ पे रोड बन रही है इसलिए जाम लगी थी भाई, ये देखो भाई। अभी हम लोग आ गए हैं गुप्त काशी, ये देखिए कुछ ऐसी मार्केट रहती है यहाँ। ये देखो हम लोगों की गाड़ी से आया था इतना सारा फूल, बस रुकी थी और अभी इतना सारा फूल उतर गया। अब यहाँ पे फाटा का हेलीपैड, यहाँ से हेलीपैड से होके जाएगा, ये देखो भाई। भाई तो ऐसी रोडों से देखो निकलना पड़ता है, ये देखो भाई कैसे कैसे मोड़ है भाई ये को। अभी भी रास्ते में काफी काम चल रहा है तो जाम बहुत लगता है भाई। ये देखो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोग एक घंटे में लगभग एक से दो किलोमीटर पहुंच पाए बस भाई। तो डोली यहाँ पे अभी देखिए रुकी हुई है, हम लोग को रास्ते में मिल गई है भाई, डोली मिल गई। जय हो जय हो जय हो। तो वो रहा सीतापुर का बस स्टैंड, और जितनी बस है भाई आप चलती है ना वो आपको यहीं पे छोड़ देंगी। उसके बाद देखिए हम सबकी तरह पैदल चलना पड़ेगा लगभग एक किलोमीटर, तो चलते हैं पैदल और पहुँचते हैं सोनप्रयाग। तो ये आप देख रहे हैं ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करनी पड़ेगी। तो अपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अभी हम देखिए गौरीकुंड यहाँ से लगभग दो से चार तब एक डेढ़ किलोमीटर है, और अभी हम लोग रुके हुए हैं मेन सोनप्रयाग की जो मार्केट है ना, यहाँ पे आपको होटल वगैरह मिलने वाले हैं भाई बहुत सारे, और क्लॉक रूम वगैरह देखिए हमें मिल जाएंगे। जैसा हम लोग अभी सामान यहाँ पे जमा करने जा रहे हैं भाई, ये देखिए क्लॉक रूम बना है, और यहाँ पे आपको डोमेट्री भी मिलने वाली है भाई। तो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अपना सामान वगैरह जमा कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर सामान जमा करके उसके बाद रूम लेने जा रहे हैं भाई गौरीकुंड में, है ना। तो हम लोग को थोड़ा सा पास भी पड़ेगा और यात्रा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है भाई, देख लीजिए यहाँ पर केदारनाथ बाबा की डोली अभी यहाँ सोनप्रयाग पहुँच चुकी है, आपको दिखाते हैं।
भाई तो आर्मी वाले भैया और ढोल नगाड़े भाई सब लोग के साथ हम भी चल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग हैं भाई पीछे। तो जब इस बार अगर आप यात्रा करने आएंगे ना तो आपको ऐसी कुछ लाइन देखने को मिलेगी भाई, यहाँ से आपकी लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, और यात्रा भी वैसे तो यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको आगे के लिए टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी, तो आप टैक्सी से जा सकते हैं गौरीकुंड। भाई इतने खूबसूरत रास्तों से ये सफ़र शुरू होता है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद आपको एक ब्रिज मिलेगा ऐसा, उसके बाद आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी यहाँ से एकदम ईजिली तरीके से। भाई तो डोली ब्रिज क्रॉस कर रही है अभी, हम लोग भी चलते हैं। भाई हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है भाई। भाई तो अभी हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग के मतलब गौरीकुंड में, और यहाँ से आपको टैक्सी वगैरह छोड़ देगी, जो भी 50 रुपये इसका चार्ज हम लोगों से लिया गया है। बाकी चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा और गौरीकुंड आ जाएगा। तो जो बाबा की डोली वो आज यहाँ पे विश्राम करेगी, ये देखिए यहाँ पे गौरीकुंड में। बाकी भी चलो रूम वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं रूम, वैसे तो रूम यहाँ पे महंगे मिलने वाले हैं। उनकी व्यवस्था ऐसी है कि भाई अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं सुभाष, न्यू सुभाष टूरिस्ट लॉज में, और लगभग यहाँ पे हम लोगों ने एक रूम का पे किया है लगभग 3000 रुपये। तो भाई आपको रूम दिखाते हैं चल के, वैसे यहाँ पे आंटी जी बैठती हैं एक, वहाँ पे आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, काफ़ी महंगा वैसे होटल वगैरह एक दिन के लिए, पर चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं भाई कैसा रूम वगैरह है। भाई कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके केदारनाथ धाम की पैदल दूरी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर है, तो अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा इसे जो भी कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हों कि टाइमिंग क्या है, क्योंकि गौरीकुंड से जो यात्रा प्रारंभ होगी वो भाई मतलब सुबह 5 बजे से 1:30 बजे तक आप कर सकते हैं, सीतापुर से सुबह 5 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं, मतलब दिन के 12 बजे तक, क्योंकि वहाँ फिर पहुँचने में आपको लेट हो जाएगी इसलिए। बाकी ऐसा कुछ है भाई अपने अपना रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पर ना आए, ये भी है भाई गर्म कपड़े ट्रैकिंग शूज रेनकोट मफलर टोपी छाता ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। भाई तो देखिए रास्तों में कहीं कहीं तो लाइट है ये देखिए, और कहीं कहीं तो अंधेरा है भाई, तो अपने साथ टॉर्च वगैरह ज़रूर लेके आएं, क्योंकि लाइटें फ्यूज भी हैं काफ़ी सारी जगह की। तो बस सुबह के बज रहे हैं 7:22, गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग हैं गौरीकुंड में, और यहाँ से अपने रूम से लेते हैं विदाई। भाई ये रूम हम लोगों ने लिया था वैसे, अभी सब लोग का पैकअप वगैरह हो रहा है, सारा सामान वगैरह हम लोगों ने रख लिया है, बैग टांग लिया है, छड़ी ले ली है भाई। यहाँ से निकलते वैसे इस गली में हम लोग को रूम मिला था लगभग 3000 का पड़ा है, बाकी रूम यहाँ पे अभी अवेलेबल ही नहीं है भाई, अगर कोई ओपनिंग में आ रहा है तो भाई थोड़ा सा रुक के आएँ या फिर अपने हिसाब से आएँ, ऐसे कुछ रूम छोटे छोटे से बने हुए हैं जिनका कॉस्ट 4 से 5000 रुपये। तो भाई चलते हैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते का दृश्य। तो भाई अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा होटल कहाँ था भाई, ये देखो भाई ये है गौरीकुंड, वहाँ पर सब लोग स्नान वगैरह करते हैं, और हम लोगों ने होटल भाई यहाँ लिया था, लगभग 4 से 5 मंजिल का होटल है भाई। ये देखो नीचे से सब यात्रा चल रही है, मतलब तो बहुत सन्नाटा हो गया, हम लोग थोड़ा सा लेट निकले हैं, लगभग 7:30 बज चुकी है। तो चलते हैं अपनी कुछ चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय नाश्ता करना है ना भाई, तो भाई चलते हैं चाय नाश्ता करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। भाई तो यात्रा की स्टार्टिंग कुछ ऐसी है, आपको हर जगह टीन वगैरह मतलब सारी ढकी मिल जाएंगी यहाँ से लेकर वहाँ तक, क्योंकि गिरने का डर रहता है। भाई इसी में घोड़े चल रहे हैं, इसी में इंसान। तो जितने घोड़े से जाने वाले लोग हैं वो उनके लिए घोड़ा अवेलेबल है यहाँ से, पर उसको आपको पर्ची कटानी पड़ेगी जहाँ पे आपका प्रीपेड काउंटर है, और जितनी दूरी पे जाना है उस हिसाब से इसके रेट तय होते हैं। ये देखिए आंटी जी ने अभी पर्ची कटवाई है, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं पर्ची वगैरह कहाँ से कटानी है। भाई जो घोड़े खच्चरों की दर है ना यहाँ पर लिखी है, आप वीडियो को रोक करके या पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी कितना क्या है वो सब आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आपको घोड़ा मिल जाएगा गौरीकुंड के पास से, बाकी तो और ऊपर भी मिल जाएगा कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये है प्रीपेड काउंटर, यहाँ से रसीद वगैरह आपकी कटती है, ये देखो भाई। भाई तो हम लोगों ने वहाँ से चलना चालू किया था जहाँ पे आपको टीन वगैरह दिख रही हैं, और लगभग 250-250 मीटर ही आए, और ऐसा कुछ है भाई।
घोड़े खच्चर का अड्डा आप यहाँ पे आके खुद पता कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पता करने गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। बाकी ऐसा कुछ सीन है भाई, अगर आप आ रहे हैं तो फटाफट से आ जाइए भाई, क्योंकि कल खुलने का कपाट और उसके बाद शायद एक दिन बंद भी रहने वाला है। सुन भाई इतनी भीड़, भीड़ लगी तो यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो भाई ये यहाँ का मेन गेट और यहीं से हम लोग को करना है एंट्री, और अभी तो भाई कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चुकवाया हम लोगों का और ना ही तो मैंने कराया है, तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पे एट गौरीकुंड, वहाँ पर देखिए। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, भाई यहाँ से अब अपनी यात्रा स्टार्ट होती है जो मेन है गौरीकुंड, हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। क्या जबरदस्त नज़ारे हैं भाई यहाँ के, ओहो ये देखो भाई। और घोड़े तो आपको सब जगह से मिलते रहेंगे, भाई नीचे कितनी गहरी खाई है भाई। तो जगह जगह ऐसे पत्थर से बचने के लिए शेल्टर और बारिश से बचने के लिए ऐसे शेल्टर बने हैं, और वहाँ पर पानी की व्यवस्था है भाई। भाई कहीं कहीं तो पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ पर सर झुका के चलना पड़ता है, देखिए। और ये देखिए, तो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भाई इसका आवाज़ सुन सकते हैं कितना तेज़ आ रहा है भाई। और कहीं कहीं वैसे तो हल्की हल्की से चढ़ाई है, वैसे असली चढ़ाई जो भीमबली से स्टार्ट होनी है भाई। ये देखो भाई थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई है कहीं कहीं पर, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे है भाई। प्लस मौसम इतना साफ है कि धूप निकलने वाली है भाई। ये देखो वैसे आगे हम लोगों को बारिश मिलने वाली है, क्योंकि 2 बजे के आसपास बारिश होती है हमेशा। तो बीच रास्ते में आपको ऐसे पत्थर भी देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े से पत्थर पड़े हुए भाई। भाई जगह जगह डस्टबिन भी आपको इस बार देखने को मिल जाएंगे भाई। क्या खूबसूरत रास्ते है भाई, जंगल का रास्ता जैसे। भाई तो थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई दी है, ऐसे स्लोप टाइप के बने हुए हैं देखो भाई। तो चलते एकदम आराम आराम से पास करते हैं अपने ट्रैक को। ये देखो भाई है ना एकदम स्वर्ग, और यहाँ से ऐसे राउंड कर जाएगा फिर वापस ऊपर। रास्ता नीचे बोल के अभी हम लोग ऊपर थोड़ा आ गए, वहाँ पे कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे गरम गरम चाय और ये मैगी। भाई तो कुछ जगह जगह देखो झरने के पानी दिख जाएंगे, इसको लोग पीते भी हैं भाई, है ना जबरदस्त। और ये धीरे धीरे चलते हैं, और भाई हमारे साथ महादेव यात्रा कर रहे हैं भाई। भाई लोग देख लो कितनी मेहनत करते हैं भाई, ये देखो भाई महादेव हमारे साथ चल रहे भाई। खैर इतनी ऊंची से चढ़ाई है भाई, और इधर इतनी गहरी खाई, पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और रात में सफाई, मतलब हमेशा सफाई चलती रहती है भाई। तो यहाँ से दिखा रहा है 14 किलोमीटर, शायद 14 किलोमीटर हो, बाकी आगे नेविगेशन वगैरह है। वही तो कुछ जो पहाड़ दिख रहे ना वाइट वाले, बस वहीं पर मंदिर है भाई। तो ये है यहाँ का हेलीपैड जहाँ पर सभी लोग आके फिलहाल तो विश्राम वगैरह करते हैं। और यहाँ से जो नज़ारा आता ना भाई, वो यहाँ से मंदिर का रास्ता भी दिखता है एकदम, जहाँ पे बर्फीली चोटियाँ हैं वो देखो भाई, है ना।
क्या व्यू आ रहा है भाई, जबरदस्त भाई, पूरी पब्लिक यहाँ आके रुकती है देखो। फिलहाल हमें नहीं रुकना है और चलते रहना है भाई। इतनी चढ़ाई है कि लग रहा आगे रास्ता ही नहीं है। भाई तो वहाँ से आ रही है बाबा की डोली और हम लोग बस थोड़ा सा आगे पीछे। बहुत ऊपर है भाई अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे। भाई वो आगे डोली भाई। तो डोलिंग साथ चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि पहली बार मेरा एक्सपीरियंस ये ना कि बाबा के साथ चलना। जिस रास्ते से हमारे महादेव जा रहे हैं उसी रास्ते से हम लोग चले। दिखा दे देखो है ना, काफ़ी खूबसूरत सा रास्ता है भाई। तो भाई यहाँ से डोली निकलेगी और भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, पर अब हम गए हैं थोड़ा सा थक और हम लोग पहुँच गए हैं चीरबासा चिकित्सालय के पास और थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल वे और डोली वे भी जस्ट ऊपर गई है, आपने देखा ही है भाई, इतना लंबा जाम लगा है तो सबको रुकना पड़ता है। पर ये देखो भाई, तो अभी क्या है कि हम लोग भैरव मंदिर जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से ये आगे जाना है भाई हमें। भाई तो धीरे धीरे आगे बढ़े और पहला झरना देखने को मिला है भाई, ऊपर से प्लेन भी जा रहा भाई, ये देखो। तो चलते भाई धीरे धीरे से आगे बढ़ते रहते, लगभग हम लोगों ने 5500 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए भाई, नीचे से लगा करके ऊपर तक। तो भाई जब आप जंगल चट्टी क्रॉस करेंगे ना तो आपको ऐसे छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी रास्ते पर, तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस थोड़ा सा महंगा रहता है क्योंकि इतनी ऊपर ये लोग लेके आते हैं इसलिए। भाई तो केदारनाथ यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है और भीमबली 2 किलोमीटर, और वो यहाँ से रुकी और जीरा पानी वगैरह पीते हुए चलते हैं आगे, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं भाई ये क्रॉस करते हुए। और जी महेंद्र सिंह राणा, अरे महेंद्र सिंह राणा साहब मिल गए भाई, तो पिलाइए एक गिलास। भाई तो इसका आनंद लीजिए नींबू पानी का। भाई तो कितना खूबसूरत रास्ता है भाई आगे का, ये देखिए जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा है। यहाँ से भीमबली रह गया 1.5 किलोमीटर लगभग, और कितने सारे लोग देखो शॉर्टकट मार रहे भाई, इनके चक्कर में कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, तो कभी शॉर्टकट नहीं मारने का कभी भी आप लोग आ रहे हो। भाई तो अभी हम लोग क्या है कि भीमबली पहुँचने वाले हैं और केदारनाथ यहाँ से दिखा रहा है 10.5 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर, फिर बड़ी लिंचोली उसके ऊपर पड़ने वाली है। भाई कितना खूबसूरत है भाई ये सफ़र, यहाँ से देखिए लोकेशन वगैरह आपको दिख जाएगी कितना किलोमीटर रह गया है। बाकी भाई भीमबली यहाँ से थोड़ी दूर रह गया है, पर तो हमने एक जगह दिखाया था आपको कि 1.5 किलोमीटर, अब वो रह गया है मात्र 0.5 किलोमीटर। भाई तो अभी यहाँ थोड़ा सा बैठते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई कंप्लीट की है जो भीमबली से पहले पड़ती है। बाकी भीमबली वो सामने रहा, वहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी आता है। तो भाई तो अभी हम लोग पूरी सिंपल सी जो यात्रा होती है उसको तो आधा कर चुके हैं, लगभग भीमबली पहुँच चुके हैं, और उसके बाद जो असली चढ़ाई तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है
हम भाई आगे से वहाँ से चढ़ाई नहीं करेंगे, आपको एक ये दिख जाएगा ऐसा, और एक उसके आगे भाई यहाँ पे वो देखो लोग जा रहे हैं ना, तो हम चढ़ाई करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये एकदम सीधा सीधा रास्ता जाता है, मतलब जिग जैग तो करता है पर वहाँ से क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब जीने से चढ़ना पड़ेगा, और एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो हम लोग इसको करेंगे तो इससे थकेंगे भी नहीं और आराम से पहुँच भी जाएंगे, है ना। लगभग एक से डेढ़ एक किलोमीटर लंबा पड़ता है, पर ठीक है हम लोग लंबा झेल लेंगे, पर वो जीने वाला नहीं करेंगे वो। तो भाई हम लोग उस जिस ब्रिज की बात कर रहे थे वो यही ब्रिज है भाई, अभी हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। वो देखो भाई अब असली चढ़ाई तो अब स्टार्ट होने वाली है हम लोगों की भाई, ये देखो जिग जैक करते हुए ये पूरा रास्ता जाता है यहाँ से, काफ़ी शानदार। तो चलते हैं, वैसे तो अभी हम लोगों ने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, पर अब वो ली हम लोग चढ़ के ही रेस्ट लेंगे, मतलब नीचे थोड़ा सा बैठ लेंगे वहाँ पे, उसके बाद ही चलना चालू करेंगे, है ना भाई। तो अभी उस ब्रिज पे हम लोग चलने से पहले दिखा देते हैं आपको हमें कहाँ जाना है भाई। वो देखो धूप काफ़ी तेज़ है भाई, कितनी गहरी खाई है ये देखो। वैसे यहाँ पर ऐसे रेलिंग वगैरह लगी हुई है तो ऐसा कुछ गिरने बनने का डर नहीं है कुछ भी आपका, तो उससे आप चिंता करने की बात नहीं है। पर यात्रा करने में भाई इस साल ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक थकावट वैसी थकावट महसूस नहीं हुई है भाई। ये देखो बहुत सारे तो घोड़े खच्चर से भी जाते हैं, और इधर का रास्ता थोड़ा सा अच्छा भी गया है क्योंकि नीट एंड क्लीन है, और रास्ता काफ़ी अच्छा है भाई, क्लीन है। अगर आप भी कभी भी यात्रा यहाँ से कर रहे हो ना, तो आपको ये वाला ब्रिज पकड़ना है जो सबसे पहले पड़ता है भाई। भीमबली वाला मत पकड़िए, क्योंकि वहाँ पर ना जीने बने होते हैं बहुत सारे, तो आपके पैर जकड़ मतलब पैरों में जकड़न हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप ये लंबा रूट थोड़ा सा पड़ेगा 200-400 मीटर का, बाकी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी चलते हैं आगे, और ऐसे ही भाई प्यारे प्यारे नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे केदारनाथ यात्रा की। तो चलते हैं जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है 12:30, और हम लोगों ने भाई समझो भीमबली वो रास्ता जाता है भीमबली वाला, और हम लोगों ने वो वाले रास्ते को नहीं पकड़ा है, जबकि उसके जो अपोजिट होता है ना भाई, जो पुल वाला रास्ता ही वाला, वो हम लोगों ने पकड़ा भाई। ये रास्ता इतना मतलब खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन है भाई, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और वो वाला रास्ता है ना, उसमें थोड़ा सा गंदगी वगैरह रहती है, क्योंकि घोड़े वगैरह उधर से भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, और पैदल जो यात्री है ना भाई, वो उधर से जाते हैं जबकि उनको इधर से आना चाहिए। तो कभी भी आप आ रहे हो तो भाई इधर से आना, जो ब्रिज वाला रास्ता है इसमें आपको जीने नहीं मिलेंगे, तो पैर आपके नहीं दर्द करेंगे भाई। तो अभी हम खड़े हुए रामबाना मतलब रामबाड़ा पे, और देखो ना कितना खूबसूरत सा व्यू है। वैसे तो खूबसूरत नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ से बाढ़ आई थी तो सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया था, पर जो व्यू है ना वो बहुत ही खूबसूरत है भाई। वहाँ से नदी बहती हुई चली आ रही है यार, और हम लोग अभी ट्रैकिंग करके भाई देखो कहाँ से आ गए भाई। ये देखो भाई बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, आप कभी भी आइए तो वो वाला रूट मत पकड़िए, क्योंकि वहाँ से देखिए ना कितने सारे जीने बने हुए भाई, और भी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। और इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते हुए निकलते हैं भाई, अपना बैग वैग उठाते हैं वहाँ पे, और देखिए ना कितना खूबसूरत व्यू है यार यहाँ पे। तो भाई चलते हैं आपको आगे, वहाँ पे मिलते हैं भाई बड़ी लिंचोली पे भाई। ये छोटे वाले ट्रैक्टर यहाँ चलते हैं भाई, ये देखो भाई, सोचो इनको चढ़ने उतरने में कितनी दिक्कत होती होगी भाई। देखो हम लोग कहाँ चढ़े भाई, वो देखो भाई, भीमबली से पूरा भीमबली हम लोग ने चढ़ दिया भाई। थोड़ी सी चढ़ाई और रहेगी, बस 8-10 स्टेप ऊपर और जाना है, है ना, दिख रहा है कि नहीं वहाँ पे, फिर वहाँ पे भाई वो भाई बहुत चढ़ाई है। तो चलते हैं फिलहाल, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई। तो भैया मैगी बना रहे हैं और ये चाय आ गई है भाई, सब मैगी भी आ गई है भाई, मैगी और चाय। आप पहले बात कर लेना भैया, मेरे को काट गोदाम वहाँ काट गोदाम से नहीं होगा, आओ भाई। तो ऐसे ग्लेशियर आपको 2-3 जगह देखने को मिल जाएंगे भाई। देखिए ना कितना दूर आ गए हम लोग भाई, वहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी मतलब भीमबली के लिए, और अभी तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, वैसे लगभग 1 किलोमीटर और चलना है। तो भाई देखिए 6 किलोमीटर रह गए यहाँ से केदारनाथ मंदिर, और 2 किलोमीटर की और चढ़ाई बची, मतलब ऐसा है, मतलब बड़ी लिंचोली तक हम लोग को चलना है।
भाई एक तो चढ़ाई, अब ऊपर से तो ढाल आ गई है भाई, ये देखो भाई, फिर ऊपर से ढाले, फिर चलना है, फिर ढाले। तो ये एक ऐसा ग्लेशियर मिला हुआ है, ऊपर से देखो झरना बह रहा है और अभी हम लोग इसको क्रॉस करने वाले हैं। तो ये दो जगह मतलब ऐसे ग्लेशियर हैं बड़े बड़े भाई। ये है वो बर्फ वाला रास्ता, बहुत ठंडी हवा आ रही भाई नीचे ऊपर से सब तरफ से, पर हम लोगों ने जैकेट नहीं पहनी है क्योंकि चलने से गर्म लगती है ना। ये देखो भाई ब्लैक आइस नीचे जमी है, फिसलन है। भाई तो देखिए ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गया है, भाई साहब बारिश बंद हो गई भाई, दो मिनट गिरी फिर बंद हो गई भाई। तो ये देखो हम लोग बादलों में चल रहे हैं भाई, तो जादू बन के चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी हो रही थी बारिश बहुत तेज, पूरी रोड वगैरह गीली हो चुकी है, ठंड बढ़ गई भाई। फिलहाल अभी भी बहुत दूर है, लगभग 4 किलोमीटर भाई। तो आपको नज़ारा दिखाएं तो नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, पूरा बादल हम लोग के पास आ गया है और हम लोग बस चल रहे हैं। ये देखो आगे ये घोड़े आए भाई, भाई पूरा बादल ही बादल आ गया भाई, हम लोग इतनी हाइट पे हैं, आप सोच लो कहाँ हम लोग चल रहे होंगे आसमान की ऊंचाइयों में, इसके नीचे भाई कुछ नहीं दिखेगा, ये देखो सब बादल ही बादल। अभी इसके नीचे थे हम लोग, अभी ये देखो भाई वो देखो पीछे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एकदम बादल ही बादल, कोहरा नहीं है भाई ये बादल ही बादल है। भाई नज़ारे अभी भी उतने ही खतरनाक है जितने कि आधे घंटे पहले थे, और ये देखो भाई रास्ते पर बर्फ जमी हुई है, ब्लैक आइस भाई। आराम से चलना आप लोग अगर आ रहे हो जल्दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन है भाई। तो ये वो ही पड़ाव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, ये देखो भाई घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं, बारिश भी बंद हो गई है और हम है ना लगभग 12-13 फीट बर्फ है भाई यहाँ पे। इन्हीं रास्तों से हम लोग को चलना है और नीचे ब्लैक आइस। आराम से भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव पे, यहाँ पे सबके आके घोड़े भाई रुक जाते हैं और जो मंदिर के पास बोलते हैं भाई घोड़ा, वो मंदिर के पास आपको नहीं छोड़ेंगे, लास्ट घोड़ा पड़ाव यही है भाई हेलीपैड से पहले। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए घोड़े बैठना है नहीं बैठना है, बाकी चलते हैं बेस कैंप की तरफ और आपको दिखाते हैं। वैसे रूम आपको यहाँ पे टेंट वगैरह मिल जाएगा मात्र 2000 रुपये में। हम लोग क्या है कि भाई वहाँ तो रूम वगैरह मिल नहीं रहे हैं और अभी हम लोगों को क्या है कि ये देखिए ऐसे टीन वाले भाई यहाँ पे सेट बहुत सारे बने हुए हैं लाइन से, आप देखेंगे ये देखिए भाई लाइन से बने हुए, आप यहाँ पे आके रूम वगैरह ले सकते हैं या फिर इससे सस्ते में अगर लेना है तो आप टेंट ले सकते हैं, वो आपको 2000 में पड़ेंगे, मतलब पर पर्सन 700-800 रुपये, मतलब 700-800 रुपये पड़ेगा और उसके लिए फिर लाइट वगैरह भी नहीं है उसमें। और ये जो है भाई ये 25-3000 रुपये में आपको मिल जाएगा एक दिन का, और लगभग 3-4 लोग की ही अलाउ हैं, आप देख लीजिए एक बार, अभी लाइट वगैरह नहीं है तो आप उसमें देख सकते हैं भाई। ये भाई इतना छोटा सा रूम है भाई, लेकिन ठीक है अभी इसमें लाइट वगैरह नहीं है तो समझ सकते हैं आप। तो भाई देखिए यहाँ पे सिलेंडर वगैरह लग चुका है गैस वैस, और इसमें चाय बन रही है, ये देखिए गाइस पूरी फुल वो तैयारी के साथ आए हुए हैं भैया, ये लोग बिहार से पटना से, अभी चाय वगैरह बनेगी। और क्या बनेगा भैया? मैगी बनेगा, मैगी बनेगा, चाय और मैगी लाइव
सूप भाई, सूप भी बनेगा देख रो भाई, यहाँ दूध भी बन रहा है, ये देखो क्रीम है बन के हम लोगों ने पी ली, और ये बन रही है मैगी, ये देखो भाई मैगी बनने वाली है, सिलेंडर वगैरह लगा हुआ है। वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे भाई, केदारनाथ का भाई ये देखो ऐसा कुछ मौसम हो रखा है, नहा धोके सब लोग फिट हो चुके हैं, और रूम को करते हैं बाय बाय टाटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी हड़ताल चल रही भाई। भैया कब खुलेगी कुछ पता नहीं है, कब खुलेगा पता नहीं है भाई, बता रहे हैं कोई फिक्स नहीं है खुलने उलने का, मतलब दो दिन तो मान ही लो। तो ऐसा हाल है भाई, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना कुछ खाने का मिलेगा, ना पीने का मिलेगा, ना गर्म पानी मिलेगा, सारी दुकानें देखिए लाइन से सब कुछ बंद है भाई। अगर आप यहाँ पे आ रहे तो भाई अभी थोड़ा सा वेट करके आइए, या फिर जब अपडेट कोई कहीं से आपको मिले तो फिर आइए, या फिर पता कर लीजिए कि कब ये सब दुकानें वगैरह खुलने वाली हैं। तो भाई चलते हैं मंदिर का, तब देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, बस कपड़े वपड़े पहनेंगे, सब कुछ फिट हो चुके हैं, और उधर का नज़ारा देखिए। वैसे धूप बहुत तेज़ निकल आई है, तो इतना कुछ ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनर वनर सब लेके आए थे, बस वो पहना नहीं। भाई ये देखो हेलीकॉप्टर कितनी बगल से निकल रहा है भाई, देखो भाई हेलीकॉप्टर कितनी पास से निकल रहा है, ये देखो देखा ना, बहुत पास से चीज़ें जा रही हैं यहाँ पे, और यात्री वैसे बहुत सारे कम आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह है, उनको आने में ही शाम हो जाएगी। तो भाई अभी हम केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं भाई, उधर ये देखिए इसका जो ये बोर्ड लगा है, मतलब द्वार बना हुआ है वहाँ से। बाकी यहाँ पे देखिए कितने सारे कैंपिंग टेंट है भाई, ये आपको 2500 से 3000 में मिल जाएंगे, और 2 से 3 लोगों का है वो भी मिल जाएगा, अगर 4 लोग हैं तो बड़ा भी मिल जाएगा। बाकी चलते हैं आगे, और सबसे पहले तो आपको सुबह की गुड मॉर्निंग और जय श्री केदार। भाई कितनी बर्फ की ऊँची चोटियाँ हैं, देखो ना हम लोग से नीचे प्लेन उड़ा भाई, मतलब हेलीकॉप्टर, ये देखो बराबर से एकदम। अपना हेलीपैड, और हेलीपैड से उतरने के बाद आपको 600-700 मीटर में मंदिर मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो। भाई तो यहाँ से टोकन प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं आप। ये देखो ये है हमारा टोकन नंबर, और ऐसा आपको टोकन नंबर वहाँ से मिल जाएगा जब आप एंटर करेंगे, उसके बिना आपको एंट्री भी नहीं देंगे। अपना आधार कार्ड दिखाइए और रजिस्ट्रेशन दिखाइए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो आपको अंदर भी नहीं आने देंगे, और इसमें टाइम वाइम सब लिखा रहता है, बिना इसके आप अंदर नहीं आ सकते भाई, है ना, क्योंकि मंदिर में अगर आपको दर्शन करने हैं तो ये दिखाना ही पड़ेगा वहाँ पर। भाई तो मंदिर में जाने की लाइन लगभग 1 किलोमीटर की लगी हुई है। भाई लाइन 1 किलोमीटर की लगी हुई है, चलते देखते कितना लंबा लाइन लगा हुआ है भाई, बहुत लंबा। मतलब ये मंदिर का जो जहाँ से आप टोकन रजिस्टर कराएंगे ना, उसके बाद से लाइन लगी हुई है, और यहाँ से मंदिर लगभग 600 मीटर है भाई। तो ये मेन मंदिर जाने का रास्ता, वहाँ पर देखिए ओम बना हुआ है, और इस बार मुझे लगता है बहुत काफ़ी खुदाई कर दी है भाई, इसीलिए मतलब वो लोग सब लोग गुस्साए हुए हैं भाई। ये हाल है मंदिर के पास का, बहुत गंदगी है भाई, मतलब सब जगह खुदा पड़ा हुआ है। ये देखिए चलने का एकमात्र यही रास्ता है, और वो सामने हमारे मंदिर है। भाई क्या जबरदस्त मंदिर सजा हुआ है भाई, वहाँ पर लिखा ओम नमः शिवाय, और कितने सारे लोग हैं भाई यहाँ पे लाइन लगा के। वहाँ पे देखिए एरोप्लेन से चलोगे, मतलब हेलीकॉप्टर से आए वहाँ पे, बाकी और भी लोग हैं जिनकी लाइन वगैरह लगी हुई है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही खूबसूरत है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत भाई मंदिर सजा हुआ भाई, आप भी देख लीजिए। 2024 के प्रथम दर्शन, जय श्री केदार, जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। भाई देखिए हम आ गए हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट एकदम पीछे भाई। बाकी काफ़ी यहाँ पे ठंड है, तो अपने साथ अपनी कैप्स वगैरह लेके आए भाई, देखो सभी लोगों ने लगा रखी जैकेट कैप,
ग्लव्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी ठंड है तो आप समझ सकते हैं। बाकी भाई लाइन देखिए, एक बार हम आपको लाइन दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन। तो कुछ तो लोग तो ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हैं यहाँ से। बाकी आपको लाइन दिखाते हैं, जो लोग लाइन में लगे उनको भी दर्शन ही नहीं मिलने भाई, एक एक दो दो तीन तीन घंटे की लाइन। ये भाई बहुत लंबी लाइन लगी भाई, जहाँ से ओम बना हुआ ना वहाँ से आधी और उसके पीछे से आधी लाइन लगी हुई है। आप सोचो लगभग 600 मीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखो भाई डबल ट्रिपल लाइन चल रही है। ये देखो भाई, ये देखो, अरे भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई। लाइन देखो वहाँ पर मंदिर है और लगभग 3 से 4 बार मुड़ी हुई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ से वहाँ लगे हैं। बाकी आपको दिखाएं तो पुलिस वाले जगह जगह रोक भी लेते हैं, जब एक जत्था आगे बढ़ेगा तो फिर दूसरा जाएगा। ये देखो भाई सोचो ऐसी वहाँ तक लाइन लगी हुई जहाँ से बाहर से लोग एंट्री कर रहे हैं, ओम से भी पहले। भाई ये देखो भागना चालू हो गए, आधे से एक एक घंटे के बाद ये सब छूट रहे हैं। भाई तो ये है मंदिर का एग्जिट पॉइंट, यहाँ से आप एग्जिट लेते हैं। ये देखो भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, ओपनिंग डे है तो काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पे, मतलब एक भीड़ और दूसरी बहुत ज़्यादा भीड़, तीसरी उससे भी ज़्यादा भीड़। चारों तरफ श्रद्धालु खड़े भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक देखिए लाइन लाइन सब लगी है। वो लोग हेलीपैड की तरफ से आते हैं, जो भी लोग हेलीकॉप्टर से आए हुए हैं भाई, लगभग लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं इस समय यहाँ पे, 20 भी हो सकते हैं भाई। दुकान बंद होने की वजह से ना प्रसाद वगैरह कहीं भी नहीं मिल रहा है भाई, बहुत दूर दूर ढूंढ लिया हमने। यहाँ देखिए आपको भंडारा वगैरह मिल जाएगा, जब हम ये ब्रिज जाते हैं ना वो भैरव जी की पूजा करने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो आपको यहाँ पे रास्ते में भंडारा दिख जाएगा, आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी सारी दुकानें बंद है तो आप समझ सकते हैं भाई, मंदिर के पास जितने भी खाने पीने की दुकान हो या फिर प्रसाद की, वो पता नहीं क्यों बंद है भाई। वैसे तो स्ट्राइक चल रही बोला जा रहा है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, बहुत परेशानी को सुबह से तो प्रसाद भी नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ आलम है भाई। यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना होटल कुछ भी नहीं खुला हुआ है। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो अपना अपडेट जो भी हो अपना लेके आएँ यहाँ पर, क्योंकि भाई कुछ खुला नहीं है तो यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था नहीं है भाई। मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगी, जिनकी 5:30 कटी थी ना उनके दर्शन अभी भी नहीं हुए, लगभग 1 बज गई है, बहुत लंबी लाइन है भाई। तो भाई लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, हम लोगों ने लगभग लाइन सुबह लगाई थी लगभग भाई 8:30 या 9:45 बजे, पर दर्शन अभी भी भाई नहीं हो पाए। हमारे 3-4 दोस्त लोग वो अभी भी लगे हुए लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। तो अभी क्या है कि वहाँ पर भैरव बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पर अभी हम लोग नहीं गए क्योंकि इतनी भीड़ ज़्यादा लगी है कि भाई। और एक तो इस बार क्या है कि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी कर दी भाई, ये पूरी घुमा करके जाएगी लगभग, फिर उधर से राउंड हो जाएगी भाई, लकड़ी का शेड बना हुआ है वहाँ से 300-400 मीटर पूरा राउंड करते हैं वो लोग। तो यही है, हम तो जा रहे हैं अब रूम पर, कल दर्शन करेंगे भाई। तो फिलहाल हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं भाई, ये देखो क्योंकि सुबह से मोबाइल में बैटरी नहीं थी तो आने का तो व्लॉग बन नहीं पाया, पर बहुत ख़राब व्यवस्था है भाई यहाँ की अभी तो, अगर कोई आ रहा है तो मत आओ, कुछ दिन के बाद आप लोग आओ। आते समय ये आलम है कि ना गाड़ी मिल रही ना टैक्सी मिल रही है। ये देखो भाई, ये देखो इतनी भीड़ है भाई कि आधी तो पब्लिक पैदल जा रही है, एक भी चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था नहीं करी गई है भाई, कि आदमी केदारनाथ की यात्रा करके वापस गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग की तरफ जाना चाहे तो भाई उसके लिए बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी भाई। क्योंकि बारिश भी हो रही है और गाड़ी एक भी नहीं खाली है, मतलब गाड़ी पहुंच ही नहीं पा रही भाई जहां पहुंचना चाहिए।